हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू टेक्निकल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रेडमी 9 है जो कि एंड्रॉयड वर्जन 12 है, इसका FRP बाईपास कैसे करें, वो भी दोस्तों बिना पीसी कंप्यूटर और बिना किसी ऐप को और वो भी बिना किसी डाटा को यूज किए हुए। तो दोस्तों फटाफट हम आपको यहाँ इंटरनेट वाईफाई को करा देते हैं कनेक्ट, और वाईफाई को कनेक्ट करा के आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है FRP लॉक है जो कस्टमर ने फैक्ट्री रीसेट करने की वजह से इसमें आया है। तो दोस्तों फटाफट हम यहाँ पे करा लेते हैं अपने वाईफाई को कनेक्ट, और कनेक्ट कराने के बाद आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा वाईफाई हो गया है कनेक्टेड, और यहाँ से हम आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस लेगा आएगा, और वह लेता है कुछ वक्त चेकिंग फॉर अपडेट्स, और यहाँ से कॉपी ऐप्स एंड डाटा, तो यहाँ से हम कर देंगे डोंट कॉपी, यहाँ से डोंट कॉपी कर देंगे। और डोंट कॉपी करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ नया इंटरफेस इस तरीके का आएगा, चेकिंग इन्फॉर्मेशन, और तुरंत ही ये आ जाएगा अनलॉक आफ्टर फैक्ट्री रीसेट योर डिवाइस विद फैक्ट्री रीसेट, या तो आप पिन डालिए जो भी इसमें डालें पिन पैटर्न या पासवर्ड, या तो यूज गूगल अकाउंट इंस्टीट कर देंगे तो ये आपके सामने चेकिंग इन्फॉर्मेशन का नया इंटरफेस आ जाएगा। और आपके सामने ये रहा, देख सकते हैं दिस डिवाइस रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद गूगल अकाउंट वॉज प्रीवियसली सिंक्ड ऑन दिस डिवाइस। तो अगर दोस्तों आपको पता है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को पूरे शुरू से लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आ जाएंगे सबसे पहले होम स्क्रीन पे, सबसे पहले होम पेज पे, और यहाँ से आगे की तरफ एरो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आगे की तरफ करेंगे फॉरवर्ड, और जैसे दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आए इसे क्लिक करके और इसे आगे की तरफ कर देना है फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ वाईफाई का जो ऑप्शन आया यहाँ से हमें सिंपली ऐड नेटवर्क पर करना है क्लिक, और ऐड नेटवर्क पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देना है, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया है, और यहाँ से लॉन्ग प्रेस करना है इसी को जो हमने टाइप किया, और यहाँ से शेयर वाले सेंड वाले ऑप्शन पे हमें करना है क्लिक, जो आपकी देख सकते हैं यहाँ ये सेंड का ऑप्शन रहा, और इस पर क्लिक करते ही जीमेल वाले ऑप्शन को हमें लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए हमने यहाँ लॉन्ग प्रेस किया और ये ऑटोमेटिक दोस्तों ये आपके सामने ऐप इन्फो में हो जाएगा ओपन, और यहाँ से नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिशनल सेटिंग इन द ऐप पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों नया इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का सपोर्ट का आएगा, और यहाँ से हमें सिंपली सर्च करना है डिलीट और डिसेबल। तो दोस्तों हम यहाँ पे डिलीट और डिसेबल को करते हैं टाइप, जैसे ही दोस्तों आप डी लिखेंगे आपके सामने रिकमेंड में ये आ जाएगा डिलीट और डिसेबल ऐप ऑन एंड्रॉयड, तो इसी को कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से देख सकते हैं डिलीट ऐप डेट यू इंस्टॉल टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग पर कर देंगे क्लिक, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप इन्फो का एक नया इंटरफेस नया कुछ इस तरीके का आ जाएगा जिसमें बहुत सारे ऐप होंगे, और यहाँ से सीधे हमें सिंपली क्रोम पे क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों ओपन कर देना है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ ओपन लिखा हुआ है। यहाँ से हमें ओपन पे क्लिक करते ही दोस्तों ये क्रोम ओपन हो जाएगा, और यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से फिर यहाँ कहेगा जीमेल लिंक करने के लिए, तो यहाँ नो थैंक्स हमें करना है दोस्तों, यहाँ से नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से सर्च बॉक्स में हमें सर्च करना है FRP फाइल, जो देख सकते हैं ये FRP फाइल, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आ गया FRPfiles.com। यहाँ आप नीचे वाले पे क्लिक करेगा FRP फाइल, या अगर नहीं आ रहा हो तो आप इसे पूरा लिख के सर्च कर लीजिएगा, यही जो यहाँ लिख कर हमने सर्च किया है वैसे ही आप सर्च करिएगा। और जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए addroms.com करके इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ आप सेटिंग का आप देख रहे होंगे कि यहाँ सेटिंग पे है ओपन लिखा हुआ है, जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक सेटिंग का ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ हम आपको बता देते हैं, यहाँ हमें जाना है लॉक स्क्रीन में जो आपकी देख रहे हैं यहाँ लॉक स्क्रीन पे, फिर एक बार हम आपको बता देते हैं यहाँ आपको लॉक स्क्रीन पे जाना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ से नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड एक लगाना है, चाहे कोई सा भी हो, पैटर्न हो, पिन हो, पासवर्ड हो, तो दोस्तों आप चाहे तो किसी को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ सिंपली हम पिन को लगाते हैं, और वो भी एकदम आसान, यहाँ से हमने क्लिक कर दिया है, और ये गॉट इट पे हम क्लिक किए, और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आप सिंपली कोई सा भी लगा दीजिएगा। ये इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों, अभी आगे आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ एक बार कन्फर्म के लिए और एक बार कर लेते हैं, और यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि हमने वही पिन लगाया है जो आपको देख रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 हो गया, ओके कर दिए, ये देखिए पासवर्ड हो गया ऑन, और आपको सिंपली बैक आके इसका मॉडल नंबर दिखा देते हैं, और ये कौन सा वर्जन है ये भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने आ गया बैक,
और यहाँ देखिए अबाउट फ़ोन पे ये है Redmi 9A, सॉरी दोस्तों ये है Redmi 9A और देख सकते हैं, और ये MIUI version 12 है। तो दोस्तों सिंपली अब हमें आ जाना है बैक, कहीं कुछ रुकना नहीं है, सिंपली एकदम बैक आ जाना है दोस्तों, एकदम बैक आना है और वह सीधे होम वाले फर्स्ट पेज पे आना है। तो दोस्तों यहाँ से हम जल्दी से आ जाते हैं बैक, और हर स्टेप को दोस्तों आप देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप ना करिएगा ना दोस्तों, आप हो सके इसे अनलॉक ना कर सकें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और यहां से एरो पे क्लिक कर देंगे जैसे ही आएंगे दोस्तों, और यहां से फिर आगे की तरफ चूज योर लैंग्वेज, तो यहाँ लैंग्वेज चूज है, सिलेक्ट है, इसे आगे की तरफ कर देंगे फॉरवर्ड, और यहाँ चूज योर रीजन, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर टिक करके आगे की तरफ कर देंगे फॉरवर्ड, और स्किप दिस स्टेप भी कर सकते हैं, यहाँ से एरो पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से फिर हमें आगे की तरफ कर देना है पेज के फॉरवर्ड, और चेकिंग फॉर अपडेट्स ये लेता है थोड़ा सा वक्त दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा वक्त नहीं लिया चूँकि जल्दी हो गया, तो यहाँ से डोंट कॉपी कर देंगे, और डोंट कॉपी करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, चेकिंग इन्फो, और उसके बाद दोस्तों देखिए अनलॉक द फैक्ट्री रीसेट, यू डिवाइस वॉज फैक्ट्री रीसेट, यू कैन अनलॉक इट्स यूजिंग प्रीवियस पासवर्ड। तो दोस्तों यही प्रीवियस पासवर्ड में आपको वही पासवर्ड डालना है जो अभी आपने बनाया है, जो हमने अभी को लगाया है, तो आप देख सकते हैं हमने 1 2 3 4 को कर दिया, और यहां से नेक्स्ट किया, और ये हमारा फ़ोन हो गया FRP अनलॉक दोस्तों, बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। और दोस्तों इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए जल्दी से, अगर लाइक नहीं किया है तो दोस्तों अगर यहाँ देखिए आप स्किप का ऑप्शन भी आ गया, यहाँ से आप स्किप पे करेंगे क्लिक, और यहाँ से फिर स्किप पे कर देना है हमें क्लिक, और दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा गूगल सर्विस, आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको नया इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ जाएगा, देख सकते हैं रिव्यू एडिशनल ऐप्स, तो यहाँ से हमें सिर्फ ओके कर देना है, और ओके करने के बाद दोस्तों एडिंग द फिनिशिंग टचेज ये लेता है थोड़ा सा वक्त, तो दोस्तों हम इससे थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं, और ये हमारा FRP अनलॉक हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं वही पासवर्ड यहाँ लगाना है जो आप वहाँ पे सेटिंग में जाके किए थे। तो दोस्तों यहाँ से हम एग्री कर देंगे, एग्री करने के बाद दोस्तों ये रहा हमारा होम स्क्रीन सेटअप कंप्लीट। तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसका 100% सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ले रहा है वक्त लोडिंग्स ऐप्स, और दोस्तों आप हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और स्टेप को हमारे तरह जैसे हमने किया है वैसे ही फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िएगा, तो आपका हो जाएगा फ़ोन अनलॉक। आप देख सकते हैं ये हो गया अनलॉक, ये है Redmi 9A, और ये एंड्रॉयड वर्जन 12 है, बिना किसी ऐप बिना किसी पीसी के। और दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ लॉक किया, और वह यह अनलॉक किया 1 2 3 4 डाल के, ये देखिए सिंपली हो गया अनलॉक। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यहाँ हम आपको सेटिंग में इसका सेटिंग मॉडल नंबर और वर्जन बता देते हैं। तो दोस्तों सिंपली यहाँ देखिए अबाउट फ़ोन में जाते हैं, ये है Redmi 9A MIUI version 12। और दोस्तों अगर वीडियो को इस अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।